चिंकू सड़क पर फोन पर बात किए हुए जा रहा था कि तभी पीछे से एक बाइक पर दो जानवर आते हैं और चिंकू का फोन छीन कर ले जाते हैं। चिंकू उनका पीछा करता है पर उनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए वो भाग गए। हे भगवान, वो चोर तो मेरा फोन ले गए, अब मैं क्या करूं? तभी चिंकू को चंपक शेर के बारे में याद आता है जो एक डिटेक्टिव है और वो फोन बूथ में जाकर चंपक को फोन लगाता है और थोड़ी ही देर में चंपक डिटेक्टिव वहां पहुंच जाता है। चिंकू चंपक को सारी बात बताता है। तुम चिंता मत करो चिंकू, मैं तुम्हारा फोन जरूर ढूंढ कर दूंगा, पर वो किस तरफ गए हैं? चिंकू ने इशारा कर उसे बताया। चिंकू वो शहर से भाग गए हैं। चंपक थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि वहां एक टूटी हुई सिम पड़ी हुई है। अरे ये तो मेरा सिम कार्ड है, लगता है उन चोरों ने मेरा फोन छीन कर ये सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया। इसका मतलब उन चोरों ने तुम्हारा फोन छीन कर ये सिम कार्ड निकाल दिया और उसे तोड़ दिया, आगे भाग गए हैं वो दोनों। चंपक चिंकू से बात कर रहा था कि तभी चंपक की नज़र सामने एक बाइक शोरूम पर गई जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। चंपक तुरंत उस शोरूम के अंदर गया और शोरूम की मैनेजर मिठू से बोला, मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, यहाँ से अभी दो चोर चोरी करके दूसरी शहर की तरफ गए हैं। माफ कीजिए सर, लेकिन हमारे सीसीटीवी कैमरे भी खराब पड़े हुए हैं। बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं आप। सॉरी सर, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं अगर वैसा ही हुआ है तो यहाँ से थोड़ी आगे जाके हमारी एक और ब्रांच है, आप वहाँ पता कर सकते हैं, वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो गई होगी। चंपक एक भी सेकंड ना गवाते हुए उनकी दूसरी ब्रांच पहुँचता है और वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। तभी उसे रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसके होश उड़ा देता है। वो देखता है कि एक जगह दो बाइक वाले खड़े हुए हैं, उनमें से एक बाइक वाला अपने बाइक की नंबर प्लेट बदल रहा है। अच्छा, तो ये बाइक सवार नंबर प्लेट बदल कर ये चोरी को अंजाम देते हैं ताकि इन्हें कोई पकड़ न सके। तभी चंपक का फोन बजता है। बाईपास चौराहे के पास एक ऐसी ही घटना हुई है जिसमें एक चिड़िया का फोन लेकर दो बाइक सवार जानवर भाग गए हैं। चंपक तुरंत उस चिड़िया के पास पहुंचता है और उससे सारी बात पूछता है। मैं सड़क पर फोन पर बात करती हुई जा रही थी कि तभी पीछे से दो बाइक सवार आए और मेरा फोन छीन कर उस तरफ भाग गए, मुझे मेरा फोन दिला दो। चंपक ने चिड़िया के इशारे का पीछा किया तो पाया कि ये और पहला वाला रास्ता दोनों ही शहर के बॉर्डर पर हैं। इसका मतलब ये चोर शहर के बॉर्डर पर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। तभी चंपक ने देखा कि सामने एक घर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चंपक ने वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो पता चला कि अभी वाले चोर और चिंकू वाले चोर सेम ही हैं। पर चंपक को ऐसा क्यों लगा सोचिए। अभी वाले चोर और चिंकू वाले चोरों ने सेम ही कपड़े पहने हुए हैं, पर मैं इन्हें कैसे पकड़ूं? इनकी बाइक पर तो कोई नंबर भी नहीं है। चंपक ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने फोन पर देखा कि शहर के एक और बॉर्डर पर ऐसी ही चोरी हो गई है। चंपक को अब कुछ समझ आने लगा। बॉर्डर तक शहर से चार रास्ते जाते हैं, तीन रास्तों पर ये चोर चोरी कर चुके हैं, अब बचा शहनाई बॉर्डर, अगला निशाना वही हो सकता है। ऐसा सोचकर चंपक शहनाई बॉर्डर पहुंच जाता है। चंपक एक फोन में एक लोकेशन ट्रेस करने वाली चिप लगा देता है और उस फोन पर बात करके पैदल चलने लगता है। तभी उसके पीछे से एक बाइक पर दो जानवर आते हैं और उसका फोन छीन कर भाग जाते हैं। चंपक भी अपनी बाइक से उनका पीछा करता है और वो दोनों बॉर्डर पार करके दूसरे शहर में पहुँच कर गायब हो जाते हैं। पर चंपक अपना दूसरा फोन निकालता है और उनकी लोकेशन ट्रैक करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों चोर कहाँ छिपे हुए हैं। चंपक उन दोनों के पास पहुँच जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। इस तरह डिटेक्टिव चंपक ने ये केस सॉल्व कर दिया और कमाल कर दिया। एक समय की बात है, एक गांव में टूनी अपनी सास के साथ रहती थी। एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आते हैं तो उसकी सास बाहर से कुछ समोसे
समोसे और चौमीन मंगाती है और मेहमानों से कहती है, अरे आप लीजिए ना, तो कुछ खा ही नहीं रहे। ये समोसे और चौमीन तो मैंने आपके लिए ही मंगवाई है, अरे खाइए ना। तब तक लूसी की बहू टूनी भी आ जाती है और टूनी एक प्लेट चौमीन में चाय डालकर पीने लगती है। सभी मेहमान उसकी अजीब सी हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं और चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, ये तो कैसे चौमीन खा रही है? चौमीन में चाय डालकर पीना कोई नया फैशन निकला है क्या? नहीं मौसी जी, ये कोई नया फैशन नहीं है। बात जरा ये है कि मुझे चौमीन बहुत पसंद है, लेकिन ये चटपटी बहुत होती है और मुझसे इतना चटपटा खाना खाया नहीं जाता, इसलिए मैं इसमें चाय डालकर पी रही हूँ ताकि मिर्ची कुछ कम हो जाए। इसके बाद चंपा लूसी से कहती है, ठीक है लूसी, अब हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। अरे चंपा, तूने तो कुछ खाया भी नहीं, देखिए समोसे ऐसे रखे हुए हैं। अरे हम बाद में ही खा लेंगे, अब चलते हैं। चंपा वहाँ से चली जाती है और उनके जाने के बाद लूसी अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे टूनी बहू, तुझे जरा भी अकल वकल है या नहीं? ये सब बेचकर खा गई है, एक तो तेरे ये पागलों वाले शौक। अरे ये करना ही था तुझे, तो अपने कमरे में जाकर कर लिया करना, यहाँ मेहमानों के सामने तूने मेरी सारी इज्जत पानी में मिला दी। अरे माँ जी, आप तो जानती है ना मुझे गीली चौमीन कितनी पसंद है। ऐसे ही एक दिन टूनी का पति कालू टूनी से कहता है, टूनी, कल मेरे एक दोस्त का जन्मदिन है और उसने तुम्हें और मुझे पार्टी में इनवाइट किया है, कल तुम तैयार रहना, हम दोनों साथ चलेंगे। ठीक है जी। अगले दिन टूनी तैयार हो जाती है और टूनी और कालू दोनों तैयार होकर अपने दोस्त चंपक की पार्टी में जाते हैं, जहां टूनी एक वेटर से कहती है, वेटर, मेरे लिए 2 प्लेट चौमीन लेकर आना और हाँ, 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक भी। वेटर ऐसा ही करता है और टूनी उसके बाद वही हरकत करती है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। वो उन चौमीन की प्लेट में वो कोल्ड ड्रिंक डालकर पीने लगती है। वहाँ मौजूद सभी मेहमान टूनी की इस अजीब सी हरकत को देखकर उस पर हंसने लगते हैं और उसे पागल बताते हैं। तभी कालू टूनी के पास आता है और जब वो ये सब देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है। ये सब क्या है टूनी, तुम अपनी आदत से कब आ जाओगी? यहाँ सब तुम्हें देखकर हंस रहे हैं और तुम्हारा मजाक बना रहे हैं और तुम यहाँ धड़ल्ले से चौमीन में कोल्ड ड्रिंक डालकर पी रही हो? अरे अपनी इज्जत का ख्याल तो है नहीं तुम्हें? कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल रख लिया करो। देखो जी, मुझे चौमीन बहुत पसंद है और अभी मैं चौमीन खा रही हूँ, वो भी गीली। अब मुझे ये पसंद है तो पसंद है, तुम अपनी टांग ना अड़ाओ तो ज्यादा अच्छा है। और इन लोगों का क्या है, इन्हें तो किसी न किसी पर हंसने का मौका चाहिए। तुम छोड़ो ये सब और अभी घर चलो, चलो, बहुत तुमने मेरी इज्जत डुबा ली। कालू टूनी को घर ले आता है और उसे बहुत डांटता है, लेकिन टूनी पर उसका कोई असर नहीं होता। वो अगले दिन से फिर गीली चौमीन खाना शुरू कर देती है और उसकी सास और उसका पति अपना सर पकड़ लेते हैं। एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। वो गांव के बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अपने बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। हरिया के पास कोई काम काज करने को नहीं था, इसलिए उसे और उसकी पत्नी को भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता था। हरिया की पत्नी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी, वो हर दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे थे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भाई, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हमारी मदद करो, हमारे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो घर पर भूखे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ मदद करो, गरीब की मदद कर दो, आपको दुआ लगेगी। तभी एक औरत उनको 10 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही पूरे दिन वो दोनों पति पत्नी भीख मांगते रहते हैं, पर 10 रुपए के अलावा उन्हें कोई कुछ नहीं देता। बेचारे दोनों निराश होकर घर लौटते हैं तो उनके दोनों बच्चे उन्हें आस भरी नजरों से पूछते हैं, माँ कुछ खाने को लाई, आप बहुत दिल भूख लग रही है माँ, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं बेटी, कहीं से भी इतने पैसे नहीं मिले कि हम तुम्हारे लिए खाना ला पाते, 10 रुपए की कमाई हुई है उसमें क्या आता। हे माता रानी, इतने बुरे दिन दिखाने से तो अच्छा आप हमें मार ही दो। कितना बदनसीब बाप हूँ मैं, अपने बच्चों को एक समय का भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता। हरिया का पूरा परिवार ऐसे ही भूखा सो जाता है। हरिया के आंगन में एक पेड़ खड़ा था जिसे वो हर दिन पानी दिया करता था। उसी के नीचे माँ दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई थी और ऐसे ही भीख मांगने के लिए चला गया, पर आज भी उन दोनों पति पत्नी को कुछ नहीं मिला। आज भी किसी ने कुछ नहीं दिया, अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे जी, वो तो बहुत छोटे हैं, वो भूखे कैसे रह पाएंगे। अंजू, मैं सोच रहा हूँ इस हर दिन की घुट घुट की जिंदगी जीने से तो एक बार ही मर जाना अच्छा है, मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। हरिया पूरी तरह हार चुका था, उसका मनोबल टूट चुका था। आज रात को जब दोनों घर लौटे तो बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। क्या हुआ बच्चों, तुम बाहर क्यों बैठे हुए हो?
बाबा पीहू खेलते खेलते अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। मैं कब से इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये उठ ही नहीं रही है। हे माता रानी, ये सब भूख के कारण ही हुआ है। मेरी छोटी सी बच्ची 2 दिन से भूखी है। पूरा परिवार दुखी हो चुका था तभी हरिया एक जहर की बोतल निकालता है। अब हम इस सब चीज पी लेंगे और इस दुख से मुक्ति मिल जाएगी। हरिया जैसे ही उस जहर को पीने को होता है तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। हरिया तुम ये क्या करने जा रहे हो पुत्र, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, तुम्हें ऐसे ही उसे खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो क्या करूँ माता रानी, यूँ घुट घुट कर मरते रहूँ, अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखते रहूँ? उसका भी हल है मेरे पास, ये पेड़, इसे भी तुम्हारी बहुत चिंता है। आज तुमने इसे पानी नहीं दिया इसलिए इसने मुझसे कहा कि माता रानी हरिया सच में बहुत दुख में है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो हरिया मैं इस पेड़ को जादुई खाने देने वाला पेड़ बना रही हूँ। आज से तुम्हें ये पेड़ बहुत सारा खाना देगा और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर माता दुर्गा अंतर ध्यान हो गयी और उस पेड़ पर देखते ही देखते बहुत प्रकार के भोजन लग गए जो एक एक करके नीचे गिरने लगे। देखो बच्चों, देखो कितने प्रकार का भोजन आया है तुम्हारे लिए, पेट भर के खाओ। सभी ने आज पहली बार इतना स्वादिष्ट और पेट भर के भोजन खाया। हमें इस जादुई पेड़ के खाने से एक ढाबा खोलना चाहिए ताकि हम कुछ पैसे भी कमा सकें। हाँ जी, बढ़िया आइडिया है। अब दोनों ने उस जादुई खाने के पेड़ से खाना लेकर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही सस्ता और स्वादिष्ट था इसलिए सभी उनका खाना खाने आते थे और इस तरह उस जादुई पेड़ के खाने की मदद से उन्हें ना तो खाने और ना पैसों की कमी रही। अब उनके पास ऐशो आराम की हर चीज थी।